हाँ जी तैयार हैं? आज फिर लेट कर दिया आपने। लेट कर देती है ये अम्मा ना आजकल बड़े दाम फैशन करने लग गई है। मैं टाइम से तैयार होके खड़ा हो जाता हूँ, अम्मा ना तैयारियों में लगी रहती है। क्या बात है। अच्छा भाई टाइम अच्छा भाई टाइम जो है ना तकरीबन 10 बजने वाले हैं, पर वीडियो भी शुरू करनी है। तो खैर अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर लो। अभी भाई आपने ना कल की वीडियो देखी होगी और आपने ना क्या गैस मारते हैं भाई, मैं कहता हूँ कमाल के गैस मारते हैं। बगैर बताए मतलब इतना अरसा हो गया हमारे साथ यूट्यूब के फैमिली बने हुए ना, मतलब हम बताते ही कुछ नहीं और लोगों को पता चल जाता कि ये सीन चल रहे हैं। समझ तो गए होंगे। इधर देख रहे हैं भाई शॉपिंग शूपिंग हमने सारी करके रखी हुई है और अभी भाई हमारा प्लान है कहाँ जाने का, भी आपको बताते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बन संवर लूँ। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बन वो कहते ना अब्दुल्ला बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाले बात है, मैं तो ऐसे इंजॉयमेंट कर रहा हूँ। अच्छा भाई सबसे पहले तो भाई ये जो सामान है ना ये गाड़ी में रख लेते हैं। इधर उठाओ भाई अम्मा सारे मुझे पकड़ा दो, लगे जाएंगे लगे जाएंगे लगे। हाँ ये सीट पर रख लेंगे। बड़े भारी है भाई, बड़े भारी है। हाँ जी भाजी तैयार बैठे हो? आ रहे साढ़े नाल भाई लग जी, चल बैठ जा। बात करने ने भाई अपनी सारी जिंदगी लग जी की खिदमत में वक्फ कर दी। ये क्या खुद का ना है? अच्छा भाई ये सामान आ गया इधर। और गाड़ी भाई कल गंदी हो गई थी सारी, तो वॉश कर ली थी मैंने सारी। भाई मैंने तो नहीं की, पता नहीं किसने की है, हुई खड़ी है सुबह सुबह यहाँ से ना यहाँ आई खड़ी है। ये भाई मिठाई का डब्बा, और लेग जी का पीछे मुंह मीठा करवा दे। यार दरवाज़ा मुझे खुद खोलना लग रहा है, खुला ही रखते हैं इसको भी भाई यहीं पे रख लेते हैं। ओए ओए गिरे ना हो, गिर नहीं हो, ख़राब ना हो जाइयो भाई, बड़ी मुश्किल से बनवाया था तुझे मैंने। अच्छा ये आओगे वहाँ अम्मा जी बैठ जाएंगी। और एक बैग अभी और रहता है वो हम ना डिग्गी में रख लेते हैं, उसकी जगह आगे नहीं होगी। हाँ जी भाई रेडी हैं? मैं भाई रेडी हो चुका। क्या बात है जी, बैग मुझे दे। तो इसको ना भाई डिग्गी में रखना पड़ेगा। डिग्गी खोल लें भाई, आगे से अंदर से खोल लें। बड़ा भारी है भाई, ले जी बस, और तो कुछ नहीं रखना, थोड़ा सा सामान बाकी रहता है। ये आगे मैं लेके तो आया हूँ, कुछ और भी पड़ा है पता नहीं भाई, जो मुझे पता था वो मैं लेके आ गया हूँ। अब भाई मनोवर कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत सामान और पड़ा है वो भी रख लेते हैं। हाँ जी मजी चले फिर बताएं फिर मेरे शूज कैसे लग रहे हैं? लग रहे हैं ना, देख ना। ये भाई सिस्टर ने पसंद किए थे कि ये वाले शूज़ ले लो, मेरा तो प्लान था दूसरे लेने का, लेकिन अब ये मुझे फील हुए हैं कि प्यारे लग रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, लगे आप तो मेरी भी शॉपिंग होगी इसी बहाने, अब साल मेरा गुजर जाएगा इसी तरह। अच्छा भाई सफ़र थोड़ा सा है भाई हमारा लंबा, तो पानी शानी चेक कर लेते हैं। हाँ जी पानी भी है और मोबाइल वगैरह तो तकरीबन एक बार हम चला सकते हैं तकरीबन 100-150 किलोमीटर, और बाकी सब सेट है। हाँ इसमें भी थोड़ा डाल दें, बस कर इसमें भी डाल दें, डाल दें बस। चल इसका ढक्कन किधर है? ये गिरा हुआ है। चल मुबशर जो है ना लेग्जी को खाना खिला रहा है, चेक करो। वो ना असल में पास ना खड़े हो ना तो वो करती है नखरे, फिर कुछ खाती है कुछ छोड़ के चली जाती है, तो अगर पास बैठो ना तो फिर वो डरती भी है थोड़ी सा और फिर ना तसल्ली से खा के हटती है। दुकान ना चुम्मी बह के संभाल के प्यार ना रखना, दुकान नहीं करना ठीक है ना।
मुर्गी को भी दाने डालने हैं, खुद भी दाना दूना चुग लेना। अच्छा भाई अभी निकालते हैं जी गाड़ी, अम्मा भाई ऑलरेडी गड्डी में बैठ गई हैं, बड़ी एक्साइटेड हैं भाई, बड़ी एक्साइटेड हैं। हाँ जी अम्मा जी चलें फिर, तो आशा पढ़ लें। अच्छा भाई अल्लाह खैर करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सीट बेल्ट लगा लें, आ ना भाई घर से ही लगा के हम निकलेंगे, रिक्स नहीं लेने का रिक्स। हाँ जी भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा भाई तो घर से हम निकल आए हैं, तकरीबन हमें 10 मिनट हो गए हैं, और अभी भाई आपको बता देते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। पता तो आपको चल गया, ऐसे ही है ना भाई। क्या पता है भाई, क्या गेस किए हैं भाई आपने, हमने किया शॉपिंग तो कमेंट्स आए हैं भाई सदाकत की मंगनी हो गई है, सदाकत का निकाह हो गया है, कुछ तो यहाँ तक भी देख मेरी भी मंगनी करवा दी, वैसे बड़ी अच्छी बात किया भाई, मेरी भी होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जरूर होगी, लेकिन सबसे पहले जो है ना भाई सदाकत की करवाएंगे तो मेरा नंबर आएगा ना। तो अभी भाई हम जा रहे हैं जी सदाकत के समझो ससुराल, होने वाला ससुराल इंशाल्लाह, तो उनको हमने देनी है जी ईद। आपको पता है फिर ये रस्में होती हैं कि जब इस तरह के रिश्ते बनते हैं तो छोटे छोटे तवायफ और इस तरह की ईदियाँ वगैरह दुल्हन जो होती है ना, यानी कि जो होने वाली बहू होती है अम्मा की वो दी जाती हैं। तो भाई आपने गैस बड़े परफेक्ट किए थे, ईदी देने जा रहे हैं और फिर ज़बरदस्त शादी निकाह वो वाले फंक्शन सारे हम करेंगे, फिलहाल हम ईदी देने जा रहे हैं। आप पीछे अम्मा भी बड़ी एक्साइटेड है भाई, मैं तो इस इवेंट का ना इख्तिताम होने का बड़ा ही वो समझ लो एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रहा हूँ। शादी देखे हुए ना अरसे ही गुजर गए हैं, और आप सदाकत के बाद शादी आने वाली है इंशाल्लाह, तो आपके साथ शेयर करेंगे सारे रूटीन, आप भी इंजॉय कीजिएगा, हम तो करेंगे ही डेफिनेटली। तो बस ये सामान समून हमने कल शॉपिंग की थी, काफ़ी हमारा टाइम लगा था इसलिए भाई मैं बड़ा एक्साइटमेंट के साथ शॉपिंग करवा रहा था उधर और आपने गैस भी कर लिए थे जी, तो जी हाँ बिल्कुल आपने ठीक गैस किए थे, बताया इसलिए नहीं था कि जब फंक्शन होगा ना तो इंशाल्लाह फिर सरप्राइज़ के साथ बंदा शेयर करे ना तो उसका वो कहते हैं मज़ा ही अलग होता है, इसलिए मैंने आपके साथ कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन आपको पता है फिर इवेंट तो शेयर करना बनता है ना, तो वो जब होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। आप सुनाएं भाई एक्साइटमेंट है या नहीं? भाई मुझे तो बहुत खुशी है, मैंने काफी दिन इंतजार किया लेकिन आज भाई जी माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा खुशी है। हां जी अम्मा जी मजे में, मजा में, अम्मा सबसे ज्यादा खुश है। अभी ना हम सबसे पहले जाना है जी टोबर टैक्सिंग, कल हमने मिठाई तो पैक करवा ली थी, ये पड़ी मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखा सका था, लेकिन अभी फ्रूट रहते हैं उसकी टोकरी बनवानी है हमने, वो हमने कल नहीं बनवाई क्योंकि आपको पता है कल बनवा लेते तो आज वो सारे बासी से हो जाने थे, फ्रेश भी रहने थे फ्रूट, तो इसलिए हमने कल नहीं बनाया। अभी हम टोबर टैक्सिंग जाएंगे, वहां से हम फ्रूट्स की बास्केट भी रेडी करवाएंगे, बाकी सामान तो ऑलमोस्ट हमने खरीदा हुआ है, तो बाकी के रूटीन भी आपके साथ शेयर करते हैं, आप इंजॉय कीजिए, मैं तो बहुत कर रहा हूँ आज। ये ना सामने एक ट्रॉला जा रहा है ऑयल वाला, और मैंने काफी कोशिश की है, हॉर्न भी दिया है, डिमर भी मारे हैं कि ये रुक जाए और मुझे रास्ता दे दे, लेकिन ये भाई नहीं रुका। अब देखते हैं कहाँ ये हमें रास्ता देता है और कहाँ हम इसको गुजरते हैं। भाई फसलें तो बिल्कुल पक गई, हमारी नहीं पकी, क्या हमारी गंदम है नहीं? भी हमारी भी तो यार गंदम है यार। अच्छा? मैंने इस स्पेशल नस्ल बीजी है गंदम की जो हम रास्ता दे रहा है, रास्ता दे रही दे रही दे दिया है रास्ता। इधर चेक करो ये तो बिल्कुल पीली हो गई ना, धूप निकली ना दो दिन जबरदस्त करके, तो फसल यूं पकी है ना जैसे समझ ही नहीं लगी। बस अब ये है कि अब दोबारा बारिशें ना हो, अगर अब बारिश हुई ना तो फिर डिले भी होगी और फसल गलने लग जाएगी, ऐसे ही होता है ना, इसी तरह होता है। अच्छा भाई अभी जो है ना हम टोबर टैक्सिंग पहुंचे थे और एक शूज हमने कल लिया था, एक हमें पसंद नहीं आया था, अभी बोरजान पे आए थे और यहाँ से हमें इस तरह के कलर का इस तरह का शूज़ पसंद आया, बगैर वो जो सैंडल टाइप के बगैर, यानी सिंपल शूज़ लेकिन हील भी है, और कलर उसका मैं अभी आपको आ जाता है दिखाता हूँ, सही नहीं है अम्मा? शॉपिंग मुझे आदत डाल दी है इन्होंने, घुमा घुमा काम करना शुरू कर दिया मैंने कल वाले काम वहीं से शुरू कर दिए। अम्मा चेक करो ना फिटिंग है, मैंने तो फिटिंग लग रही है, ये 40 है, ये 70 रुपये वो मैं बता रहा था। अच्छा भाई ये वाले शूज़ हमें पसंद है, दिखाइएगा एक बार।
ये सब की वो क्या कहते हैं ना बामी मशावरत के बाद ठीक है ना डन हो गया चलो मुबारक हो। अच्छा भाई सो शूज़ हमने ले लिए और अभी क्या रह गया जी फ्रूट लेने हैं। फ्रूट लेने हैं फ्रूट वाले भाई हमें ढूंढना पड़ेगा हमें यहाँ के बाजारों का आइडिया नहीं है। यहाँ कोई बता रहे हैं कि मॉडल बाजार है पता नहीं मॉडल मॉडल करते हैं जाकर पीछे बस फ्रूट लेने हैं और फिर मंजिल मकसूद पर पहुँचना है। राम भाई मंजिल मकसूद पर पहुँचेंगे पहुंच। ये हमें बड़ा पूरा सा बाजार मिल गया फ्रूट का। भाई को मैंने सारी बता दी चीज़ें कि किस तरह से डालनी है एक एक चीज़ डालते रहना हम आपको बता देंगे। अच्छा भाई यहाँ से हम लेंगे सेब और फिर केला खरबूजा अंगूर ये वाला जो भी है गर्मा वो भी इसको अरे ये छोटे ना डालो आप 400 रुपये भी दो और फिर भी हमें अपने हिसाब से दें तो फिर तो बाहर ना हुई ना जी। अच्छा भाई फ्रूट्स यार ये आगे रख है माँ फ्रूट्स आगे रख लेंगे यार बिल्कुल नहीं जगह होगी खराब तो नहीं होंगे ना हिले नहीं बस ऐसे रखना नहीं एडजस्ट कर। जो सामान रहता था ना वो हमने ख़रीद लिया है और हमारा टाइम जो है ना टोबर टैक्सिंग में काफ़ी ज़्यादा लग गया है और टाइम अभी तकरीबन एक बजने वाला 12 बज गए। कब निकले थे हम 10 बजे 10 बजे 2 घंटे हमारे लग गए यहीं पर तो कॉलें आ रही थी कि पहुँचे नहीं हो कितने रह गए हो तो बस हम स्पीडी मारते हैं और पहुँचते हैं भाई जल्दी जल्दी ना। असल में और किसी को कोई डर नहीं होता सबको यही डर होता है बस यहीं कहीं उड़ा के ना सबको साइड पे ना लगा के बैठो ये बड़ा रिस्क होता है सबको ना अभी नहीं यकीन करते मुझ पर पता नहीं मैंने कितनी गाड़ी चलाई आपने व्लॉग देखे होंगे कितनी चला 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 के नहीं चला तो टैक्सी ड्राइवर भी नहीं चलाता। खैर ये भी इंशाल्लाह तकरीबन हमारा रह गया 15 से 20 मिनट का सफ़र इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे भाई इस ताकत के ससुराल होने वाला ससुराल इंशाल्लाह। तो भाई वेलकम बैक टू व्लॉग और आपके लिए तो शायद अभी ताज़ा ताज़ा टाइम होगा कि अभी तो इधर आए थे और अभी अगला वेलकम बैक भी हो गया लेकिन हमारा बड़ा टाइम लग गया है। टाइम जो है ना तकरीबन 4 बजने वाले हैं और अभी हम वापस घर जा रहे हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना ये भाई मैं तो बहुत खुश हूँ ऐसे टाइम गुजरा पता भी नहीं चला आज भी बहुत खुश है। अम्मा से पूछे अम्मा कितनी खुश है अम्मा से पूछे भाई अम्मा मैं कहता हूँ अम्मा क्या सारे खुश होंगे और हमारी YouTube फैमिली तो उससे भी ज्यादा खुश होगी भाई ईद दे आए और वो क्या कहते हैं बहुत दिनों के बाद खुशी करने का इजहार का मौका मिला है तो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है भाई ये खुशी है ना इंशाल्लाह बस नजर नहीं लगे किसी की और बस आप सब भी दुआ कीजिएगा और सब अच्छे अच्छे से हो जाए इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि भाई सदाकत के ससुराल गए थे हम ईद देने के लिए ईद दे के आए हम और बड़ा अच्छा टाइम रहा वहाँ। तो फिर हम आपको पता है ना हर किसी के अपने रूल्स रेगुलेशन रहने का तरीका होता है। काफी सारे हमारे व्यूअर्स भाई इंतजार कर रहे थे भाई सदाकत की काम मंगनी करनी कब शादी करी भाई मारो मारो जुमरा तो अभी ना बस हम वापस घर ही जा रहे हैं तकरीबन हमारा आधा सफर हो गया आधा रह गया यानी कि तकरीबन 1 घंटे का हमारा सफर रह गया इंशाल्लाह फिर हम पहुँचेंगे घर। अफ्तारी का टाइम भी तब तक हो जाएगा और टाइम अच्छा गुजरा मैं तो भैया बड़ा फ्रेश हूँ। अच्छा तू टप जा आराम मजे मजे लाया के टप रहे रोड तो ना ऐसे जैसे ना फुटपाथ बनाया हुआ दरमियान में सड़क के। तो खैर जी अभी वापस घर पहुँचते इंशाल्लाह और बड़ा अच्छा टाइम रहा मजे मजे की बातें भी की ईदी भी जो हमने दी माशाल्लाह से सब ने देखी थी पहले भी और अब भी उनको दिखाई उनको सबको भी बहुत पसंद आई तो इंशाल्लाह बाकी की बातें घर जाकर होगी जी। सब कहते थे भाई सदाकत की शादी करो अब भाई हुई तो मेरा भी नाम लिया जाएगा फिर शुरू हो जाएंगे वसीम की शादी करो वसीम की शादी करो जी वसीम की शादी करो जी भाई सबकी टाइम टाइम से हो रही है तो ये अच्छी बात है ना नज़दीक होते जा रहे हैं वन स्टेप और आगे हो गए। एनक मेरी मटेड़ी लग रही है अभी भी
शायद पता नहीं आप बताइए कमेंट्स में लग रही है, शीशे में मुझे तो फील नहीं हो रही वो ना, मैंने ऐसे जब पहनने लगा ना तो मैंने मरोड़ी ऐसे और ये वाला ऐसे हो गया था ऐसे, तो बाद में कुछ ठीक किया है, लेकिन अब ना एनक भी अपडेट करते हैं इंशाल्लाह, अब हम लेंगे कोई अच्छी वाली सही गुच्ची पराठा की कोई तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं घर जाकर। घोड़ा चेक करो कितना बड़ा, और कितना जसावा चेक करो, ये देखो पला हुआ है फुल सही वाला। फाइनली हम पहुंच गए हैं जी घर, फाइनली। हाँ जी हाँ जी, वेलकम वेलकम, फाइनली हम घर आ चुके हैं। हाँ जी अब्बा जी दे आए हैं एकदम, आपको सलाम भी दे रहे थे। अच्छा हाँ जी, सबको दे रहे थे सलाम तो सबको, लेकिन आपको भी कह रहे थे कि स्पेशल सलाम दूं जाकर। भाई सदाकत को भी स्पेशल सलाम भेज रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, ये शर्मा रहा है, दिल ही दिल में तो लट्टू फूट रहे, उस पे आज कितने अरसे बाद सलाम आया भाई। ओए लग जी तू क्यों आज एक्टिंग कर रही है, तूने आज कुछ नहीं गाया, तेरी पार्टी करवाते हैं आज। तो टाइम जो है ना भाई 5:05 होने वाले हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहा, आपने भी इंजॉय किया होगा, सारी शॉपिंग भी आपने देखी होगी, तो इंशाल्लाह आगे जो जो भी फंक्शन होगा जब जब भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। अभी भाई बड़ी तैयारियां रहती हैं, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या प्लान है हमारा। अभी तो भाई थोड़ा सा रेस्ट का प्लान है, क्योंकि आपको पता ना 4-5 घंटे ड्राइव कर लेना तो एक बार बंदे की बस हो जाती है, वो भी सिंगल रोड पे, मोटरवे पे तो रेस पे पाँव रखा और बस जाने दो इधर उधर, यहाँ पे कभी बचा कभी ब्रेक कभी गियर चेंज कर, रात को भी मेरी टांग को दर्द होती रही, कल मैं क्योंकि कल गाड़ी चलाती रहा जब शॉपिंग करने गया था सिटी, और आज भी वही चलाई, अब देखो आज रात को क्या होता है।